मुझे आना है, आ जाएंगे हम सबके भाग्य की बात। और अभी कल से आज तक में हम लोगों ने पंचायती राज की अवधारणा क्या है इस विषय पर चर्चा की है। पंचायती राज ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम पंचायत हम कहाँ, और मैं दीदी जी से आग्रह करूँगा कि आप हम सबको भी मार्गदर्शन देने का थोड़ा सा कष्ट करें तो इस समय है अच्छा होगा। नहीं हम वैसे बहुत होता है ना, बिना घर का तो अपना अस्तित्व ही नहीं है, है कि नहीं बताइए। घर ही नहीं अपने पास, अपना सास नहीं, अपने ससुर नहीं, समझो अपने बच्चे घर पे नहीं, तो अपना काम ही क्या है? महिला का कोई काम नहीं, अपन नेतागिरी करने के लिए पैदा नहीं। लेकिन आज की ऐसी स्थिति आ गई, आप पंच बन गए, समझो हम निदेशक बन गए। पहले महिला ये सब काम नहीं करती थी, पहले घर का करती थी, फिर गुरुकुल वगैरह में जो लोग होते थे उनका पूरा गुरु माता के रूप में वो काम करती थी, बच्चों का देखभाल। लेकिन आज अपने को जिम्मेवारी मिली पंच बनने का, ठीक है? आपके सरपंच बहन या भाई जो बनते हैं उनके साथ आपको कंधे से कंधा मिलाकर अपने अपने ग्राम पंचायतों को अच्छा करना है, समझ गए? तो इसके लिए अपने को जानकारी होना चाहिए कि हमारा गाँव क्या, हमारा समाज क्या, हमारी पंचायत क्या, हम पंच क्यों बने, पंच को कब कब क्या क्या काम करना, धीरे धीरे पता होना चाहिए। नहीं तो अपना पंच का समय निकल जाएगा, तब हम सोचेंगे आय दैया हम कुछ कर नहीं पाए, है ना? तो ये पछतावा नहीं होना चाहिए। जब अपने को मौका मिलता है जब तब अपने को काम करना है, कुछ सोच के करना है। तो काम तभी करेंगे जब अपने को मालूम हो कि करना क्या है। पता चला ग्राम सभा में बैरन चिल्ला रहे अपन, अपने को कोई सुन नहीं रहे, तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो ग्राम सभा में अपने को कैसे बोलना, ग्राम सभा में जाना कैसा, सरपंच जी से अपना व्यवहार अच्छा कैसे रखना। लेकिन हम महिला होने का अपना नारीत्व को अपने को खत्म नहीं करना है। महिलाएं जोर जोर से चीखे चिल्लाए लड़ाई करे तो अपनी जो सुंदरता है वो खत्म हो जाता है कि नहीं बताइए? अपन जब हंसते रहते हैं तो अपना चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन गुस्सा आके किसी को गुस्सा हो रहे डांट रहे तो अपना चेहरा खराब होता है। जब महिला का चेहरा ही खराब हो गया अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो हम लोग आपसे चाहते हैं, और एक दिन बचा है, जो भी हमारे रामदत्त जी भागवत जी अरविंद जी पढ़ा रहे सब पढ़ डालो आप लोग। अपन क्योंकि पुस्तक पढ़ नहीं सकते तो कम से कम जो ये पढ़ा रहे उसको आप समझ लीजिए, ठीक है? तो ग्राम सभा होती है, घर का काम कितना भी हो उसमें जाइए बैठिए, अपनी बात को कहने के पहले से उनको समझाइए भाई हमें बोलना है। ये सब आगे आपको पढ़ाएंगे, कैसे ग्राम सभा में बात करना क्या करना सब बताएंगे। तो लेकिन पंच होने का अपना दायित्व समझकर काम करिए। ये अपन लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं कर रहे कि भाई गांव में आप लोग लड़ो झगड़ो गलत काम करो, ये अपना उद्देश्य नहीं है। सब मिलकर अपने गांव का अच्छा कैसे बना सकता। आपका गांव तो कंचनपुर पंचायत तो बहुत सुंदर है, हम अभी आए तो इतना अच्छा सब कुछ बना हुआ है। हमारे मझगवा इलाके में इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ के। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, और आगे हम लोग चित्रकूट में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, तब आप लोगों को हम लोग बुलाएंगे। आप सब हमारे चित्रकूट आना, नाना जी के यहाँ पर कामता जी के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ पर और भी अच्छी बातें आपको सिखाएंगे। नाना गाड़ी भेज के बुला लीजिए, चाहे जैसे भी सबके सब यहाँ पे थोड़े देर लेके जो भी नाना जी का और ऐसे आदि का ये है वो आप ले लीजिए, उसको बच्चों को दीजिए, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है? तो मैं तो निमंत्रण देने आई हूँ आप सबको। चित्रकूट कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या आप लोग यदि प्रसाद पाते हो तो हमें खुशी होती है। वहाँ महिलाएं बना रही है, हमारे भैया लोग बनाते हैं, सब बाहर का कोई आदमी नहीं बनाते, सब घर से हम बनवा के आपको भेजते हैं, शुद्ध रहता है। तो आप लोग खा लिया करिए, एक नहीं दो पैकेट चाहिए तो भी मांग के ले लीजिए, है ना? चलो बहुत अच्छा, आप लोग सीख लीजिए पढ़ा लीजिए आप। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अब आते हैं अपन समग्र स्वच्छता की तरफ। गांव में आपने देखा होगा कि सरकार परेशान हो रही है कि निर्मल पंचायत बने, लेकिन निर्मल पंचायत हम सब लोगों के कारण ही निर्मल पंचायत नहीं बन पा रही है, क्योंकि हम उस विषय पर जानकारी ठीक से लोगों को नहीं दे पा रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के लोग गांव से बाहर जाकर गंदगी कर रहे हैं और वो गंदगी लौट कर अपने पास ही वापस आती है। अब आप पूछेंगी कि वो गंदगी कैसे वापस आ जाती है, वापस आ गई। अब एक ग्राम गंदगी में 1000 कीटाणु होते हैं। जब 1000 कीटाणु होते हैं तो सोचो 10, 5 ग्राम, 20 ग्राम अपने घर में वापस आ जाती है किसी ना किसी तरीके से। तो 5000-10000 कीटाणु रोज हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। अब उन्हीं कीटाणुओं पर या उसी गंदगी पर मक्खियां क्या करती हैं, बैठती हैं। और जब मक्खियां उस पर बैठती हैं तो 1-1 ग्राम, 2-2 ग्राम अपने चारों पैरों में लेकर आ जाती हैं। हम खाना खाने बैठे या हम खाना खा रहे हैं या हम खाना सब्जी फल काट रहे हैं, हो सकता है रोटी बना रहे हैं, हमने आटे को नहीं ढक के रखा है, वे मक्खियां कहाँ आके बैठ गई, आटे में बैठ गई। हो सकता है कि हम लड्डू लेकर आए कि भगवान को चढ़ाना है और लड्डू हमने प्लेट पे रख दिए, चार मक्खियां ही लड्डू पे बैठ गई और वो लड्डू उठा के हमने गणेश जी को चढ़ा दिए और 4 ग्राम साथ में गणेश जी को। अब क्या कर रहे हैं हम, गणेश जी को क्या चढ़ा रहे हैं, ये सोचो जरा, सोचो इस बात को कि हम क्या खा रहे हैं। लौट के वो हमारे ही पेट में जा रहा है, जब वो लौट के पेट में जा रहा है तो हैजा फैला रहा है, पैचेस कर रहा है, मलेरिया फैल रहा है, कोई ना कोई रोग हमें लग रहा है। जब रोग लग रहा है तो हो सकता है कि हम रोग क्यों लगते हैं ये भी जान लो। वो जो अभी भैया कह रहे थे, 2 प्रकार के सैनिक हमारे शरीर के अंदर होते हैं जिनको हम लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। तो वो लड़ने का काम करते हैं, जब कीटाणुओं का आक्रमण होता है तो वो रोक देते हैं। जैसे पाकिस्तान वाला अगर आक्रमण करेगा तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है, फटाफट गोली यहां से चलाएगी, पाकिस्तानियों को धड़ से फड़ेड़ देगी या बांग्लादेश वालों को धड़। सैनिक हमारे कमजोर हो जाते हैं तो रोग हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण कर देता है तो वो किस्म किस्म की बीमारियां हमारे ऊपर फैलने लगती हैं। जब बीमारियां फैलने लगती हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर की सहायता लेते हैं। जब डॉक्टर की सहायता लेते हैं तो 1500 का पर्चा तत्काल बन गया, गए मेडिकल से, पैसा है भी नहीं तो कर्जा लिए दवाई ले आए, दवाई ले आए तो जहां काम करते थे तो 10 दिन नहीं गए, 2000-3000 का महीना कहीं से मिल रहा था, 10 दिन नहीं गए तो 1000 का नुकसान वहां से हो गया, 1000 का कर्ज चढ़ गया, हो गए 2000। अब जब 2000 घर में कम आए तो जो घी चुपड़ कर हम रोटी खा रहे थे, हो सकता है घी का नंबर कैंसर, घी में नहीं। भैया जो संजा के अपने घर वाले सब्जी लेके चले आ रहे थे, बोले सब्जी न लाना, चटनी में काम चल जाएगा, क्योंकि घर में पैसा कम आ रहा है। फूड जरूर बुलाएगा दीदी, हमारे मनोज भैया बता रहे हैं देश विदेश सब जगह गए लेकिन आपके जो सहौला है वहाँ नहीं आए। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम इधर आना है, पहली बार इधर आई हूँ। अभी हम लोग कंचनपुर भी गए, बहुत सुंदर, वहाँ पे भी प्रशिक्षण चल रहा है। आप लोगों की जैसे सभी महिलाएं जितनी भी है बहुत सुंदर वहाँ प्रशिक्षण ले रही है, तो आप लोग भी यहाँ पर कल से आ रहे होंगे ना, कैसा लग रहा आप लोगों को, ठीक लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा किस मतलब की पढ़ाई है, ऐसा तो नहीं लग रहा, ठीक लग रहा सबको, किसी को तकलीफ तो नहीं यहाँ बैठने में या सुनने में, अच्छी अच्छी चीज सुनने को मिल रही ना। तो क्या है, जब तक कि अपने लोगों को अच्छी बातें सुनने नहीं मिलता,
अपने को मालूम ही नहीं होता है कि नहीं बताइए। आप लोग पंच बन गए, समझ गए सारे, हम पंच बने पंच बने। अरे पंच बन के करना क्या है? जब पंचों को यही ना मालूम पड़े कि हमें करना क्या है, तो हम बन के क्या फायदा? तो इसीलिए ये ट्रेनिंग यहाँ पर एक SIRE जबलपुर की संस्था है, उन्होंने बोला भाई आप लोग चलाओगे क्या? हम लोग तो पहले डर गए, बाप रे गांव गांव कैसे जाएंगे, कैसे सिखाएंगे, क्या होगा? लेकिन हम लोग सोचे ये कि ये मौका है आप सबसे मिलने के लिए, नहीं तो इस तरह प्रशिक्षण ना मिलता तो हम लोग क्यों आते अभी? हम लोग अपने इलाके में काम करते रहते, उसी में खुश रहते। लेकिन हम लोग ने सोचा भगवान की दया है, ये मिला है कि काम करना चाहिए। फिर हम लोग ने सोचा, हम लोग भी तो, मैं भी तो महिला हूँ, लेकिन हम डरे नहीं। हमने कहा मनोज भैया अपने को एक काम करना है। मैं क्यों बोल रही हूँ, भले मैं ताकतवर हो सकती हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन अकेले महिला काम नहीं कर सकती। अपने को अपने जो पुरुष वर्ग होते हैं उसका सहयोग चाहिए, चाहिए कि नहीं बताइए? कितना भी बाहर लड़ाई लड़ ले हम लोग, और हम पंच बने, हम पंच बने, घर जाने के बाद पंच कोनो काम के नहीं होता है। अपने को अपनी गोरू बकरी का काम करना है, घर का भी काम करना है, बहू की सेवा करना है, बिटिया की सेवा करना है, पति की सेवा, बड़ा काम होता है। लेकिन यदि आप लोगों को पंच बनने का मौका मिला तो अपन अपने गांव के लिए कुछ कर सकते, कर सकते कि नहीं? आप लोग सुन रहे होंगे सब चीज़ें ना, तो सरपंच जी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रहा, बोलचाल अच्छा रहा, बातचीत करने का तरीका अच्छा रहा, और आपको पता है लाडली लक्ष्मी योजना ये है भाई, हमारे गांव में कोनो बेटी पैदा हो गई उसको हम लाडली लक्ष्मी योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर इसको हमें भी करा दिया, तो ये बिटिया जब बड़ी हो जाएगी इसको 1-1.5 लाख जो भी वो पैसा मिलेगा। लेकिन जब अपने को मालूम ही नहीं है लाडली लक्ष्मी योजना, तो हम लोग बेटियों को कैसे बचाएंगे? देखिए बेटी को कोई माँ मारना नहीं चाहती, आप बताइए कोई माँ ऐसा सोचती है? कोई नहीं सोचता, लेकिन मजबूरी वश ऐसा वो करना पड़ता है उसको, कई कारण ऐसे होते हैं। वो सोचती है कि भाई इसका दहेज कहाँ से दे, इसका देखभाल हम कहाँ से करें, बड़े मजबूरी में वो बेटियों को मारती। मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, माँ जो महिला होती है वो कभी अपने लड़का, देखिए कौवा का बच्चा कितना खराब काला होता है लेकिन कौवा को बड़ा प्यारा लगता है, ऐसे हर माँ को अपने बच्चे बड़े प्यारे होते, चाहे लंगड़े क्यों ना हो, लूटे क्यों ना, एक माँ ही है जो उसकी सेवा करती है। तो इस तरह के जब अपना ममत्व है, अपना सब हृदय इतना अच्छा है, तो हम लोग अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। हम कमजोर हो गए, हमारे पास ताकत नहीं है, हम बीमार हो गए, हम गड़बड़ बात करते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं, तो हम पंचों का फिर कोई बात कोई सरपंच नहीं सुनेगा। ये सशक्तिकरण इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग अच्छे दिमाग से अच्छा विचार करें, हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, जो जानकारी हमें नहीं है, भाई ग्राम सभा होते क्या है, ग्राम सभा में प्रश्न कैसे पूछना, ठीक है हमें मालूम ही नहीं, तो आपको ये मालूम ही नहीं है ग्राम सभा में प्रश्न कैसे, तो सरपंच बड़ा बोल दिया बैठो बैठो, तो आप कह सकते हो नहीं सरपंच जी हम कल तुमको लिख के दिए थे हम ये प्रश्न पूछने वाले, तो हमें तुम समय दो, समझ गए आप लोग? तो इसमें अपने को किसी के विरोध में नहीं बोलना, गांव की खुशहाली के लिए, हमारी जनता की खुशहाली के लिए हमें तो बातचीत करनी है, ठीक है? ये मौका है, और अभी तो मैं सिर्फ मिलने आई, जिस तरह हमारे मनोज भैया ने बताया, हम आपको चित्रकूट बुला रहे हैं, अभी हम लोग इतने अच्छे से आपको पढ़ा नहीं पा रहे, हमारे हम लोग के दिमाग में था आप सबको हम लोग चित्रकूट बुला लेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे। हमारे पास नाना जी की दया से, जो नाना जी देशमुख जी है, उनकी दया से बहुत बड़े बड़े घर है, बहुत अच्छा बैठने का व्यवस्था है, लेकिन आपके गांव में हम लोग सब चीज़ें नहीं ला सकते, तो एक गरीब एक छोटा भाई कुछ देर पर